अगर आप एक डॉग लवर है तो सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को और हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। हेलो दोस्तों, द अल्टीमेट चैनल में आपका स्वागत है। हमारे मोस्ट पॉपुलर डॉग ब्रीड की सीरीज में आज हम बात करेंगे बुल मैस्टिफ के बारे में। दोस्तों, अगर आपको डॉग फूड, डॉग शैम्पू और डॉग से रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट चाहिए तो हमने डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक्स दिए हैं, उन लिंक्स पे क्लिक करके आप उन्हें खरीद सकते हैं अपने डॉग के लिए। बुल मैस्टिफ का ओरिजिन यूनाइटेड किंगडम से है। इन्हें मिड 19th सेंचुरी में ब्रीड किया गया था, अराउंड 1860 के आसपास। बुल मैस्टिफ को इंग्लिश गेमकीपर्स ने ब्रीड किया था, जिन्हें एक लार्ज साइज का क्वाइट और फियरलेस डॉग चाहिए था जिसकी इतनी स्पीड हो कि वो पोचर्स को ट्रैक कर सके और इतना स्ट्रेंथ भी हो कि उन्हें वहाँ पे पकड़ के रख सके। बुल मैस्टिफ की ब्रीड को इंग्लिश मैस्टिफ और ओल्ड इंग्लिश बुलडॉग, जो कि अभी एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, इन दोनों को क्रॉस करके क्रिएट किया गया। बुल मैस्टिफ को इंग्लिश मैस्टिफ से उसका लार्ज साइज मिला और ओल्ड इंग्लिश बुलडॉग से करेजियस और फियरलेस बने। बुल मैस्टिफ को अमेरिकन कैनल क्लब ने 1934 में ऑफिशियली एज अ डॉग ब्रीड रिकग्नाइज किया था और AKC की डॉग्स की रैंकिंग में बुल मैस्टिफ नंबर 48 पे है। बुल मैस्टिफ फैमिलीज के साथ भी अच्छी तरीके से रह सकती है और ये घर में अकेले भी रह सकती है, लेकिन जब ये पपीहुड में होते हैं तब इन्हें हमेशा किसी न किसी का साथ चाहिए होता है। बुल मैस्टिफ मीडियम साइज फ्लैट्स और अपार्टमेंट में भी इजीली रह सकते हैं। ये लार्ज साइज के तो होते हैं, लेकिन ये बहुत ही रेयरली बाग करते हैं। बुल मैस्टिफ बच्चों के साथ भी इजीली रह सकते हैं, लेकिन इन्हें ज़्यादा छोटे बच्चों के साथ ना रखा जाए तो ही अच्छा होता है। बुल मैस्टिफ को अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना भी बहुत पसंद होता है। ये अपने ओनर के लिए बहुत ही लॉयल होते हैं और बहुत ही प्रोटेक्टिव भी होते हैं। बुल मैस्टिफ को आप अपने घर में एज अ गार्ड डॉग भी रख सकते हैं, जो अपनी फैमिली को किसी भी कीमत में प्रोटेक्ट करेंगे। बुल मैस्टिफ में मेल्स की एवरेज हाइट 25 इंचेस से लेकर 27 इंचेस तक होती है और इनमें फीमेल्स की एवरेज हाइट 24 इंचेस से लेकर 26 इंचेस तक होती है। बुल मैस्टिफ के वेट को देखें तो इनमें मेल्स का एवरेज वेट 50 केजी से लेकर 59 केजी तक होता है और फीमेल्स का एवरेज वेट 45 केजी से लेकर 54 केजी तक भी हो सकता है। कुछ बुल मैस्टिफ का वेट इससे थोड़ा ज़्यादा या फिर कम भी हो सकता है। बुल मैस्टिफ मीडियम एनर्जी वाले डॉग होते हैं और ये जनरली हेल्दी भी होती है, लेकिन जब ये एज हो जाते हैं तब इन्हें हिप डिस्प्लेसिया और एल्बो डिस्प्लेसिया हो जाता है, लेकिन जो बड़े साइज की डॉग ब्रीड होती है उनके साथ ऐसा होना नॉर्मल होता है। इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि बुल मैस्टिफ को बचपन से ही अर्ली सोशलाइजेशन की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये नेचुरली गार्ड डॉग होते हैं और ये अपने एरिया में आने वाले किसी भी छोटे डॉग या फिर एनिमल पे शायद अटैक भी कर सकते हैं। इन्हें अच्छे से सोशलाइज करने के लिए आप इन्हें दूसरे पार्क्स में लेकर जाए, छोटे डॉग से मिलवाए और दूसरे ह्यूमन बीइंग से भी मिलवाए, जिससे कि अच्छी तरह घुल मिल सके। सोशलाइजेशन की तरह बुल मैस्टिफ को अच्छी ट्रेनिंग की भी ज़रूरत होती है, ताकि ये आपकी बात को मानना सीखे। बुल मैस्टिफ का शॉर्ट और डेंस कोट होता है और ये 3 कलर्स में आता है, रेड, फॉन और ब्रिंडल, लेकिन इनके ईयर्स और मज़ल हमेशा ब्लैक कलर की होती है। बुल मैस्टिफ के बाल सीजनली शेड करते हैं और इस वक्त इन्हें ग्रूमिंग की ज़रूरत पड़ती है। इनका एवरेज लाइफ स्पैन 8 से लेकर 10 ईयर्स तक होता है। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा एपिसोड बुल मैस्टिफ के बारे में। और पॉपुलर डॉग ब्रीड के बारे में जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें इस वीडियो पे। थैंक यू।